लो बॉयज। लेकिन मॉम, हम एक छोटा सा पपी क्यों नहीं रख सकते? मानसिंह जी, मुझे तुम दोनों को रखने देते हैं, इसी का शुक्र मना लो। हम समझ गए मॉम, आप क्या कहना चाहती है। ये हमारा अपना घर नहीं है, इसीलिए हमें एक पेट के प्यार के बिना ही बड़ा होना होगा। बिल्कुल सही कहा, कितने समझदार हो गए हो। चलो मॉम, क्या हम एक खरगोश ला सकते हैं? नहीं। कछुआ? नहीं। तोता? नहीं। दो तोते? नहीं नहीं। ओह, मुर्गी? नहीं। छिपकली? नहीं। अजगर? नहीं। नेवला? नेवला? मंगूस, जो सबसे डरता है। कभी नहीं। मॉम, तू फिर एक चिंपांजी ला देते। तुम दोनों चुप रहने का क्या लोगे? पेट्स। अरे ये लो पत्थर, आज से ये है तुम्हारे पेट्स। पहले इन पे प्रैक्टिस करो, फिर देखेंगे। मैं इसका नाम ना रॉकी रखूंगा। ये ले चंपक, खा और धीरे से खाना वरना पेट दुखेगा। हाँ हाँ चंपक, खा ले। पता नहीं नई जगह वो लोग तुझे क्या खाने को देंगे। नई जगह? चंपक कहाँ जा रहा है? बेटा अब इसके घोड़ा गाड़ी खींचने के दिन खत्म हो गए। लेकिन क्यों? कल मैं 65 साल का हो जाऊंगा। मानसिंह जी ने कहा है मुझे रिटायर होना होगा। तो मानसिंह जी की कही हुई हर बात को मानना जरूरी नहीं है। एक कान से सुनो, एक कान से छोड़ो। लेकिन बेटा मानसिंह जी की इस बात को मानना तो पड़ेगा ही। वैसे भी मानसिंह जी चंपक को बेच चुके हैं। चंपक, रिटायर होने के लिए तैयार हो? अभी भी भागने का दिल करता है लड़कियों के पीछे? तुझसे नहीं पूछा। बिनी, मैं सेव द रेन फॉरेस्ट चैरिटी इवेंट के लिए जा रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? एकदम जंगली। थैंक यू। बिनी, तुम्हारी रिंग कितनी सुंदर है। ओह थैंक्स, एक्चुअली मेरी परदादी की हुआ करती थी, लेकिन जब वो भगवान को प्यारी हो गई तब मेरी दादी ने उनकी उंगली से बस। मुझे तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री नहीं सुननी है। क्या मैं इसे बोरो कर सकती हूँ? लेकिन रानी, तुम्हारे पास एक पूरी कबोर्ड भर के रिंग्स हैं। हाँ लेकिन ये वाली नहीं है। लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी इस सस्ती रिंग का उतना ही ख्याल रखूंगी जितना मैं अपनी 24 कैरेट डिजाइनर रिंग्स का रखती हूँ। प्लीज 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 प्लीज। ओके, अगर मैं हाँ कह दूँ तो क्या तुम चुप 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 हो जाओगी? हाँ हाँ हाँ। ठीक है ले लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके बस चुप करो। मिसेस सिंघानिया, थैंक यू सो मच कि आपने राजमहल को चुना अपने इवेंट के लिए। आप धन्य हो गई। मतलब कि राजमहल धन्य हो गया, मतलब कि मैं धन्य हो गया। रिलैक्स मानसिंह, मैंने अभी तक राजमहल को फाइनल नहीं किया है। लेकिन आप मुस्कुरा रही हैं। मैं हमेशा बुरी खबर देने से पहले ऐसे ही मुस्कुराती हूँ। लेकिन आपको अपने दर्द दिल हार्ट फाउंडेशन के लिए यही होटल चुनना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है। मानसिंह जी, आपके सीने में दिल है कि नहीं? हाँ, आप सुशील जी को ऐसे कैसे रिटायर कर सकते हो? और चंपक, आप चंपक के साथ जो कर रहे हो उसके बारे में मुझे सोच के भी डर लग रहा है। बच्चे दिल के कच्चे। चलो चलो मैं अभी आता हूँ। हाँ चलो चलो। मिसेस सिंघानिया, मैं अभी आता हूँ, आप कहीं मत जाइएगा। तुम यहीं आना, मुझे कहीं जाना है। अच्छा आप कहीं मत... ओके बस। तुम दोनों को पता भी है कि मिस्टर ओबेरॉय कितने स्ट्रिक्ट है राजमहल की रिटायरमेंट पॉलिसी को लेकर। और हाँ सुशील, वो 65 ईयर्स के हो गए हैं, उन्हें तो रिटायर होना ही था। लेकिन चंपक, उसका क्या होगा? चंपक के लिए मैंने एक अच्छा घर ढूंढ लिया है और उसका मालिक बाहर ही खड़ा है। अरे लॉबी में भागो मत। मिसेस सिंघानिया, बेचारे गरीब बच्चे अनाथ हैं।
हाँ लाल बोल रहा हूँ, लाल कैसे हो? हाँ मिल गया घोड़ा, वो भी काफी सस्ते में। लेकिन लगता नहीं कि ज्यादा लंबा चलेगा। अरे हाँ वैसे भी हमारे यहाँ घोड़े ज्यादा कहाँ टिकते हैं। हाँ हाँ कल सुबह मिलते हैं। अरे हाँ हाँ घोड़े के साथ गधे। कल मिलते हैं। यार करण हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना वो चंपक को ले जाकर उसे काम करा करा कर उसे मार डालेंगे। वो लोग चंपक को तब ले जाएंगे जब चंपक यहाँ होगा। पिनी तुम्हें पता है मैंने क्या क्या किया? मैंने एक बेबी टाइगर को हक किया, एक बेबी किटन और दो बेबी पपीज को भी। बेबी पपी और बेबी किटन भी। तुम्हें पता है मैंने क्या किया? मैंने 7 चॉकलेट और 1 टॉय ट्रेन बेची। क्या चलो मेरी रिंका है ये रही, मेरे बैग में होगी। सुखी जी आपको बोलता है ललिता इंटरकॉन्टिनेंटल का वॉचमैन क्या बोलता है? अब जब भी टैक्सी के लिए सीटी मारते हो डॉगीज भाग के आते। देखो पिनी तुम चिल्लाना मत, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी रिंग कहीं छोड़ दी है। कहीं छोड़ दी है? देखो इसे चिल्लाना कहते हैं। मुझे वो रिंग मेरी परदादी ने दी थी। मैं तो भूल ही गई कि वो रिंग इतनी पुरानी थी। अब कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे मेरी रिंग वापस चाहिए रानी। अब ठीक है मैं ढूंढ दूंगी। तुम कितनी एव बदबू। मैंने कहा ना मैं ढूंढ दूंगी, मुझे बदबू बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बदबू आ रही है। टूलगेट। हाय बॉयज। तुम बिजी तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं, मैं अपने इस मेटल डिटेक्टर को फिनिशिंग टचेस दे रहा हूं। जरा मुझे पकड़ना। मेरा दिमाग लोहे का है। टूलगेट हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो। आज हमारा एक दोस्त यहाँ रह सकता है? ऑफ कोर्स रह सकता है। Yes. मैं अभी उसके लिए जगह बनाता हूँ। ये है तुम लोगों का दोस्त? हाँ। अच्छा तो इसके लिए तो ये जगह बहुत कम पड़ेगी। कोई बात नहीं मैं इसे अपना बेड दे दूंगा। थैंक यू टूलगेट। कोई बात नहीं दोस्त किस लिए होते हैं। तुम्हारी रिंग मिल गई। ये तो कमाल हो गया, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। ये मेरी रिंग नहीं है, उससे भी अच्छी है, इसमें लगे हुए सारे डायमंड्स असली हैं। अब अपनी उल्टी स्माइल को सीधी करो। मैंने कहा कि इसमें लगे हुए सारे डायमंड्स असली हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रानी, जो रिंग तुमने घुमाई वो मेरी परदादी की आखिरी निशानी थी और मेरे लिए इन डायमंड से भी कीमती। मेरा घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो चंपा कहाँ है? वो चंपा? हाँ वही, लेकिन है कहाँ? जी पता नहीं, लेकिन हमारे इस होटल में तो बिल्कुल नहीं है। एक मिनट जरा, मुझे लगता है कि हमारे होटल में कुछ भाजी वाले घुस आए हैं, मैं जरा उनसे निपट कर आता हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। हाँ टूलगेट, गुड मॉर्निंग भाई। टूलगेट, चंपक कहाँ है?
चंपक अभी तो यही था, ये रहा, यही कहीं होगा। पुलकित, तुम एक घोड़े को कैसे खो सकते हो? अरे मैंने खोया नहीं है, शायद वो मॉर्निंग वॉक पे गया होगा। पुलकित, वो एक घोड़ा है, पम्मी आंटी का डॉगी नहीं जो मॉर्निंग वॉक पे जाए। ठीक है तुम लोग टेंशन मत लो, मिल जाएगा, मैं ढूंढ लूंगा उसे। पुलकित, उसे सर्विस लिफ्ट चलाना आता है। टेंशन, फुल टेंशन। चंपक, मैं जानता था कि रंगे हाथों पकड़े जाओगे तुम और पुलकित। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ पुलकित, तुम अपने ही कमरे में क्या कर रहे हो? ठीक ठीक, साफ साफ बताओ कि चंपक कहाँ है। मानसिंह जी, हमने आपसे बहुत सारे झूठ बोले, पर इस बार हम सच कह रहे हैं। हमें नहीं पता चंपक कहाँ है। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी, अच्छा तो ये गाजर तुम अपने लिए लाए हो? नहीं, ये तो मैं टूलकिट के लिए लाया था, है ना टूलकिट? हाँ हाँ, वो क्या है ना, डॉक्टर ने मुझे गाजर खाने को कहा है, इससे मेरी आंखें स्ट्रांग रहेगी। वो भी बिना धोए। ठीक है, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने चंपक को इस होटल में छिपाया है तो बहुत बुरा होगा। हमें मानसिंह जी से पहले चंपक को ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन था, ये देख। Excuse me, क्या आपने हमारा हमारा फुटबॉल देखा है? फुटबॉल? तुम इन अनाथ बच्चों को किचन में फुटबॉल खेलने देते हो? वो क्या करूं, आजकल शहरों में गार्डन की कमी है ना। आइए आइए। Absolutely. ये केक खाया हुआ क्यों है? वो हमें बहुत भूख लगी थी और हमें तो कोई खाना खिलाने वाला भी नहीं है। मुझे तो अब भी भूख लगी है। करण, बैनानास। सॉरी, मैं आपको ऑफर करना भूल गया, ये लो। तुम खाओ। कितने क्यूट बच्चे हैं। अगर ये मेरे इवेंट के आसपास नजर आए फिर देखना, समझे? जी समझ गया। चलिए मैं आपको वो बॉलरूम दिखाता हूँ जहाँ पे आपका इवेंट होने वाला है। नहीं। सॉरी, चलिए। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, आपको पहले ये केक ट्राई करना पड़ेगा। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये बहुत चॉकलेटी है, मैंने इतने प्यार से बनाया, आप इसे टेस्ट भी नहीं करेंगे? चंपक, ओहो, तुम्हें छुपाना ही होगा। प्लीज। देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूं, हमें केक वेक नहीं खाना है, चलिए मैम प्लीज। नहीं 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 नहीं, रुकिए। नो 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 प्लीज। करण, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि फूल और फल गैस के लिए अच्छे होते हैं, फल तो नहीं मिले इसलिए फूलों से ही काम चला लिया। I'm really sorry मैम, चलिए मैं आपको बॉलरूम दिखाता हूँ। एक मिनट, कहीं तुमने बॉलरूम तो नहीं खा लिया ना? क्या बात कर रहे हो मानसिंह जी, बॉलरूम कोई खाने की चीज होती है? नहीं, जैसे फूल तो हमारा राष्ट्रीय भोजन है ना। आइए प्लीज। करण, चंपक का है। टडा। वापिस घूम हो गया।
वैसे मैंने रॉकी को कभी नहीं घुमाया और ये मेरी हर बात मानता भी है। ये देख रॉकी, बिल्कुल भी मत हिलना। गुड बॉय। देखा देखा प्रीति, तुम बिनी के काउंटर से मुझे एक स्ट्रॉबेरी आइसी खरीदो ना। क्यों, बिनी के पास लाख रुपए का छुट्टा नहीं है? छुट्टे हैं, लेकिन मेरी पर दादी की रिंग नहीं है। लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं घुमाई। तुम इससे कहो ना कि मैंने जानबूझ के नहीं घुमाई। आउच, आ मेरा कान गया। और हमारे होटल स्टाफ की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तुम एक नंबर की मतलबी। किचन दिखाता हूँ, लॉबी में बाद में आएंगे। हमेशा अपने बारे में सोचती रहती हूँ। मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मैंने रेस्टोरेंट में सबको ढूंढने के लिए कहा, लेकिन किसी को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कचरे में ढूंढो। तो क्या तुमने जाकर कचरे में ढूंढा? इस ड्रेस में नो चांस। रानी, शायद इसी को लोग सेल्फिश बिहेवियर कहते हैं। प्रीति, क्या मुझे तुम्हारी ड्रेस मिल सकती है? मेरी ड्रेस? हाँ, कचरे में बिनी की रिंग ढूंढने के लिए। चंपक, 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 करण, करण, ये तू क्या कर रहा है? हमें घोड़े को ढूंढ रहे हैं, पम्मी आंटी की डॉगी को नहीं। सॉरी, अब चल। मिल गया। कौन? चंपक? नहीं तो? चंपक का छोड़ा हुआ प्रेजेंट। लेकिन तुझे कैसे पता कि ये चंपक ने किया है? पम्मी आंटी की डॉगी का भी तो हो सकता है। ये पम्मी आंटी के डॉगी से भी बड़ा है। हाँ वो तो है, मुझे इसमें गाजर के टुकड़े भी दिख रहे हैं। ये जरूर चंपक का है। ए करण, हंस मत। कैसा भाई है तू? अब मुझे पूरी शैम्पू की बोतल से नहाना पड़ेगा। जरा देख के। रिंग मिला? अब तक नहीं। दी, एक मिनट, एक क्या कर रही है? ये आपकी बस की बात नहीं, मुझे हैंडल करने दीजिए। वैसे रिंग मेटल का था ना? अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये है मेरा नया इन्वेंशन, मेटल डिटेक्टर। ओह नो, मैं तो भूल ही गया, पूरा डस्टबिन ही मेटल का है। ए, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो मेरी दोस्त की रिंग खो गई है और वो बहुत कीमती थी। ओह, मेरा भी रिंग यहाँ खो गया था। एक हाथ तो मिला, देखते रिंग है कि नहीं। ओम, हम बहुत थक गए, यही सही गुड नाइट कर देते हैं। हाँ, और आज हम घोड़े बेच के सोएंगे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो बस गले में खराश थी। अगर सुशील चंपक को नहीं रख पाया तो फिर चंपक को हमें रखना होगा। मॉम को बाद में संभाल लेंगे। ये चंपक क्या जोर से मारा है यार। चल अब मुझे सोने दे, जरूर सपने में मुझे कोई अच्छा आइडिया आएगा। और चंपक, तू अपना एम कबीर की तरफ रखना। अभी नहीं चंपक, अभी नीनी का टाइम है, सो जाओ। लगता है तेरे नए बेड को खेलना है। अभी नहीं चंपक, घोड़ा घोड़ा कल खेलेंगे, सो जाओ। वैसे देखा जाए तो रॉकी मेरी बात हमेशा सुनता है, है ना, है ना? कभी वो बस एक पत्थर है, सो जा। गुड नाइट करण। गुड नाइट चंपक। गुड नाइट रॉकी। चंपक फिर से नहीं। वो चंपक नहीं था।
अच्छा आज के लिए थैंक यू। कि पूरा दिन बच्चों के पीछे भाग भाग कर ना पीठ में दर्द हो जाता है। जरा शोल्डर भी दबा देंगे प्लीज। क्या हुआ? ये घोड़ा घर में क्या कर रहा है? मॉम नाश्ता करने आया होगा। आपका गाजर का हलवा कितना फेमस है। खुश? अगर तुम्हारा ये हाल करने में मेरा थोड़ा भी हाथ है तो बहुत खुश। हम दोनों पूरी रात तुम्हारी रिंग ढूंढ रहे थे, वो भी कचरे के डब्बे में, लेकिन तुम्हारी रिंग नहीं मिली भी नहीं। उसकी जगह पे सड़ा हुआ कुशन, आधा बर्गर और कॉकरोच मिला। कॉकरोच बर्गर के अंदर था? तुम पूरी रात मेरी रिंग ढूंढ रही थी, वो भी कचरे में? हाँ, और अब मुझे जाना है क्योंकि मेरे शूज में कुछ है और शायद वो जिंदा है। एक मिनट रानी। थैंक्स, तुमने मेरी कोशिश की उसके लिए थैंक यू। और तुम्हें भी टूलकिट, सिर्फ सच्चे दोस्त ही ऐसा करते हैं। मुझे एक पूरी रात एक पागल के साथ बितानी पड़ी। वो आदमी पागल थोड़ी था। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मॉम प्लीज, मुझे पता है कि ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये हमारा पेट बन के भी रह सकता है। ये थोड़ा बड़ा है? इसने जो हमारे कार्पेट पर गिफ्ट छोड़ा है उसका साइज देखा तुमने? हाँ, मैंने उसे कल बहुत करीब से देख लिया था। क्या क्या हो रहा है? तुम्हें पता है मानसिंह जी ने सुशील जी को फोर्सफुली रिटायर कर दिया, और वो चंपक को एक ऐसे आदमी को बेच रहे जो उसे बहुत टॉर्चर करने वाला है। मिसेस सिंघानिया, आप फिक्र मत कीजिए, आपके इवेंट के लिए राजमहल एकदम तैयार होगा, सिवाय इन बच्चों के, इस घोड़े के, कचरे से लथपथ इस लड़की के और इस कबाड़ वाले के। कबाड़ी वाला? अब और देखने को क्या रह गया है। ओए दोस्त, ये देखो, हाँ मुझे अपने कचरे के डब्बे से क्या मिला। मेरी रिंग। ये रिंग। तुम्हारा तो ये रिंग हो गया, पर चंपक और सुशील जी का क्या होगा? हाँ मानसिंह, तुम सुशील को फोर्स क्यों कर रहे हो रिटायर होने के लिए? उसे इस होटल में काम करके मजा आता है। देखो रानी, तुम्हारे डैडी रिटायरमेंट एज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, 65 मतलब 65। लेकिन मानसिंह जी सुशील जी काम करने के लिए रेडी है। देखो 65 में आकर लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनमें फुर्ती नहीं रहती। ओह रियली? मैं पिछले ही महीने 65 की हुई हूँ। आपको देखकर लगता है कि आप 41 से एक दिन ज्यादा नहीं है। मानसिंह जी प्लीज, आप उस आदमी को चंपक मत बेचिए, उसे यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है ठीक है, मैं मिस्टर ओबेरॉय को फोन करता हूँ, लेकिन याद रखना कि उनके दिमाग को बदलना मतलब भैंस के सामने बीन बजाना। ओ नहीं सर, आपको नहीं। सर मुझे वो सुशील और चंपक को रखने के बारे में बात करनी थी। सर नहीं, सुशील घोड़ा नहीं है, चंपक घोड़ा है। सर घोड़ा गाड़ी से ज्यादा पैसे तो नहीं बनते हैं, लेकिन लोग जरूर खुश होते हैं, और ये भी तो जरूरी है ना। खुश नहीं हो सकता दोबारा। मेरे लिए जरूरी है। एक मिनट। सर वो मिसेस सिंघानिया थी जी। सिंघानिया एंड सिंघानिया कंपनी के मालिक मिस्टर सिंघानिया की वाइफ मिसेस सिंघानिया। आपको तो याद ही होगा पिछले साल जब दिवाली पर कार्ड पार्टी के लिए आप हमारे यहाँ आए थे और बहुत सारे पैसे हार गए थे, उसका हिसाब अभी भी बाकी है मिस्टर ओबेरॉय। सर मिसेस सिंघानिया हमारे ही होटल में वो चैरिटी इवेंट रखना चाहती हैं। और हाँ, अगर मेरे गेस्ट को घोड़ा गाड़ी की राइड मिलेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा मिस्टर ओबेरॉय। सर सुशील और चंपक, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है सर, वैसे आप ही बॉस हैं, थैंक यू। सुशील और चंपक यहां रह सकते हैं? ये अनाथ बच्चे बिल्कुल सही कह रहे थे। मैडम, क्या आप मेरे बेटों के बारे में बात कर रही हैं? मम्मी, आप इतने सालों तक कहाँ थी मम्मी?
सालों के बाद मिले ना।